इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लद्दाख की। आपको बता दें कि ज़ंस्कार के लिए एक बड़ी बात जो है यहाँ पर सामने आई थी। आपको बता दें कि वहां पर पहला डिग्री कॉलेज जो है वहां के लोगों को मिला। और इसके बीच अगर बात करते हैं इसके फाउंडेशन स्टोन के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल जो है वहां पर मौजूद रहे। इसी के साथ एमपी लद्दाख भी वहां पर मौजूद रहे और तमाम बातचीत जो है यहां पर की गई है। आम जनता को भी यहां पर संबोधन किया गया और इस फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वहां के लोग जो है वो यहां पर मौजूद रहे। क्योंकि जहां पर डिग्री कॉलेज की बात करें तो काफी लंबे समय से वहां के स्थानीय लोगों की एक मांग जो है यहां पर चलती आ रही थी कि यहां पर लोगों को जो है एक डिग्री कॉलेज यहां पर जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि वहां के अगर युवाओं की बात करें, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की अगर बात करें तो किस तरह की परेशानियां जो है उन्हें आती थी, किस तरह से ट्रैवल कर जो है उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए जो है वहां पर जाना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह से डिग्री कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन यहां पर रखा गया, आने वाले समय में जल्द ही वहां पर डिग्री कॉलेज बनकर जो है तैयार हो जाएगा और वहां के जो बच्चे हैं वो जो है वहां पर आकर पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन इस बीच वहां के उपराज्यपाल आर के माथुर की अगर बात करें, उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ जो है कौन कौन से जो यहां पर दिग्गज जो नेतागण हैं वो कौन कौन यहां पर मौजूद थे और किस तरह से संबोधन जो है यहां पर किया गया और साथ ही साथ संबोधन में क्या कुछ कहा है आम जनता के लिए और क्या कुछ यहां पर अवसर जो है यहां पर प्रदान किए जाएंगे, इस पर भी चलिए अब तमाम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता हेल्दन जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेल्दन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से डिग्री कॉलेज जो है ये ज़ंस्कार को मिला है, स्थानीय लोग उनका क्या रिएक्शन है, वो किस तरह से खुश हो रहे हैं और जहां पर उपराज्यपाल की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कुछ संबोधन में कहा है। मैं आपको शुरू से बता दूं, यहाँ ज़ंस्कार के डिग्री कॉलेज में एक फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी रखा गया था। उसमें हमारे लद्दाख के एलजी आर के माथुर साहब को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। उसमें इनोग्रेशन के दौरान कॉलेज का 915 मीटर लिंक रोड जो है इनोग्रेशन हुआ था और साथ साथ में फाउंडेशन स्टोन में वहाँ का इंडोर स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का हुआ था और 16 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल का भी इनोग्रेशन हुआ था। साथ में साइंस लेबोरेटरी और वहाँ पे लद्दाख के गवर्नर आर के माथुर द्वारा इनोग्रेशन किया गया था। जी, इसी के साथ यहाँ पर बात करें, एमपी लद्दाख भी वहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ वहां के जो वाइस चांसलर हैं उन सबने भी यहाँ पर जो है आम जनता को संबोधन किया। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा? वहाँ पे गवर्नर साहब और एमपी साहब ने कॉलेज के छात्रों को और कॉलेज के प्रिंसिपल को ये आश्वासन दिया कि आने वाले काल में कॉलेज में जो भी फैसिलिटीज आगे चाहिए होगा तो उस हिसाब से पीजीटी पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार को मिलेगा। एक आश्वासन गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। एमपी साहब ने ज़ंस्कार के डीसी को लेकर वहाँ पे आश्वासन दिया था कि लद्दाख को यूटी, अभी लद्दाख यूटी बन चुका है, उसका पूरा सेटअप होने के बाद ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। एक ऐसा आश्वासन हमारे एमपी लद्दाख के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए हेल्दन। तो जिस तरह से बड़ी सौगात ज़ंस्कार के लोगों को मिली है जहां पर डिग्री कॉलेज जो है यहां पर दिया गया और साथ ही साथ ये भी एक तरह से आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में हर तरह की फैसिलिटीज जो है यहां पर देने की कोशिश की जाएगी।